पासपोर्ट बनवाते समय हम देखते हैं कि जब हमारा नाम परिवर्तित हो जाए, जनरली लड़कियों का ऐसा होता है क्योंकि वो जैसे जिन किसी की शादी होती है तो उसका सरनेम चेंज हो जाता है या फिर पूरा नाम ही चेंज हो जाता है, तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो पुराने नाम के होते हैं या फिर उसकी जो 10th की मार्कशीट या 12th की मार्कशीट या कॉलेज की जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट होती है वो सब पुराने नाम की रहती हैं, अगर आपने आधार कार्ड वगैरह भी नए नाम का करा लिया हो तो। वो पासपोर्ट बनाने पर क्या समस्या आएगी, देखिएगा, अगर आपका नाम परिवर्तित हुआ है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, चाहे आपकी शादी के पहले शादी, जो भी आपको किसी भी कारण से नाम चेंज हुआ है, तो आपको जब पासपोर्ट बनवाना है तो आपको दो डॉक्यूमेंट्स ऐसे आपके पास होना चाहिए जिनमें आपका जो परिवर्तित नाम है वो हो। जैसे सपोज करो कि आपका नाम सीता सिंह था, सीता सिंह था, शादी के बाद आपका सीता यादव नाम हो गया, तो इसका मतलब है कि अब शादी के बाद जो आपका नाम हो गया सीता यादव, अब आप सीता यादव की दो आईडी आपके पास होनी चाहिए, एक तो आधार कार्ड मान लेते हैं और दूसरा अपना पैन कार्ड। आधार कार्ड और पैन कार्ड आप बनवा सकते हैं ये दोनों, या फिर वोटर आईडी, आधार कार्ड पैन कार्ड वोटर आईडी, ये तीन डॉक्यूमेंट्स हो गए, तो मिनिमम आपको कोई भी दो डॉक्यूमेंट चाहिए रहते हैं जिनमें आपका परिवर्तित नाम हो, जिसमें आपके हस्बैंड का नाम लिखा हो। तो आधार कार्ड बेस्ट ऑप्शन है, आप मैरिज सर्टिफिकेट के बेसिस पे आधार कार्ड में नाम चेंज करा लीजिए, और जैसे ही आपका आधार कार्ड में नाम चेंज हो जाए तो आधार कार्ड के नाम के बेसिस पे आप पैन कार्ड या वोटर आईडी बनवा लीजिए। तो ऐसे करके आपको कोई भी मिनिमम आपको दो डॉक्यूमेंट चाहिए रहते हैं जब भी आपका नाम परिवर्तित हुआ हो, चाहे वो आप मेल हो या फीमेल हो, वो एक्स वाई जेड जो भी हो, बाकी आपके पुराने डॉक्यूमेंट्स में जो भी नाम लिखा है उससे कोई दिक्कत नहीं है। जब आप पासपोर्ट का फॉर्म भरते हैं तो उसमें जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपका नाम जो आपका परिवर्तित नाम है, जैसे सीता यादव मैंने बोला कि सीता यादव आपको डालना है, और उसमें नेक्स्ट कॉलम आता है कि अगर आपने कभी नाम परिवर्तन हुआ है तो पुराना नाम क्या है, तो उसमें सेकंड में आप अपना सीता सिंह लिख दीजिए जो आपके 10th की मार्कशीट 12th की मार्कशीट में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपका पासपोर्ट बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको और भी कोई सजेशन चाहिए, और भी कोई दिक्कत परेशानी का सामना होता है पासपोर्ट एप्लीकेशन बनाते टाइम या फॉर्म भरते टाइम, तो आप हमसे सलाह ले सकते हैं। आप कमेंट करके हमें बताइए क्या दिक्कत क्या परेशानी आपको आ रही है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।